हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी गणित की क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो आपके चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज का जो टॉपिक है वो है माध्य माध्यिका बहुलक का सेकेंड पार्ट है। और इसमें हम लोग माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए, कल हम लोग समांतर माध्य पढ़ चुके हैं, ठीक है। जितने समांतर माध्य पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, थोड़ी मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैंने उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। लगभग यहाँ पर 30 मिनट की ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग लिख के रख लीजिए कि जो आपके क्वेश्चंस है वो इससे बाहर नहीं आएंगे, इस चैप्टर से, ठीक है। बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैंने लगभग सारी हर प्रकार का एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका और बहुलक, ठीक है। माध्यिका में क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इस टाइप से, देखिए पहले से नॉर्मल से लेके और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि बायो के भी काफी लोग हैं, बायोलॉजी के भी, तो उनको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अलावा अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। और कुछ लोगों का कहना था कि सर जो त्रिकोणमिति है उसको भी, उसके ऊपर एक और वीडियो कर दीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि त्रिकोणमिति के ऊपर एक वीडियो और लाऊंगा बस, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस टॉप 50 क्वेश्चंस की मैं मैथ्स की करवा दूंगा, ठीक है। जो भी है परीक्षा से पहले जितनी भी हो पाएंगी टॉप 50, ठीक है, तो उनको करवा दूंगा। और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जिन लोगों की मैथ्स कमजोर है उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत ही नॉर्मल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है आप लोगों को आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता रहता है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो मीन मीडियन मोड को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन और मोड, ठीक है। मीन हम लोग कल पढ़ चुके हैं, माध्य समांतर माध्य हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो पहले देखिए, माध्यिका में अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं। यदि पद विषम हो तो माध्यिका यम बराबर n+1/2 वे पद का मान, ठीक। कैसे, जैसे देखिए 1, 5, 7, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 11। विषम पद मतलब अब इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 क्या होता है, विषम होता है, ऑड होता है, ठीक है। तो पद कितने हैं, 7 हो गए, विषम हो गए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग, लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले इनको आरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, 1, 3, 5, 7, 9 और 6, 7, 6, 7, 9, 11, ठीक है। फिर वही n+1 मतलब 7+1/2 वे पद का मान, मतलब 8/2 4वें पद का मान। तो कहा 1, 2, 3 और 4, 6 हो जाएगा इसका। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर देखिए, यदि पद सम हो, ठीक है, मतलब टोटल 6 संख्याएं हो या 8 संख्याएं हो, तो सम हो अगर, तो माध्यिका क्या होगा, 1/2 n/2 वे पद का मान प्लस n/2+1 वे पद का मान। अब इसको करके दिखाएंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए सीधे, और इसका जो फॉर्मूले हैं ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं 3, 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11 और 17 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले तो इनको आरोही क्रम में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में। आंसर तभी आएगा जब आरोही क्रम में लगाएंगे। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, 3 सबसे छोटा है, फिर 5, फिर 7। अवरोही में भी लगा सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक क्रम में होना चाहिए, ठीक। फिर 7 के बाद आपका आएगा 9, ठीक है, फिर 11, फिर 15, फिर 17 दो बार है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, तो 17 दो बार हो जाएगा, फिर 19। तो देखिए इसमें पद कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है पद बराबर 9, मतलब विषम है। और विषम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर वाला, ठीक, n+1/2 वे पद का मान। तो क्या हो जाएगा, यम बराबर माध्यिका, माध्यिका की जगह यम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, n+1/2 वे पद का मान, पद का मान। तो रख लीजिए n कितना है आपका, 9, 9+1/2 वे पद का मान, तो 9+1 10/2 वे पद का मान। तो 2 से काटोगे तो 5वें पद का मान। तो पांचवा पद अब गिन लीजिए कौन सा है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब 11। बस यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा। ये बिल्कुल अपने मन से आप लोग निकाल दीजिए कि सर ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे टफ क्वेश्चन रखे जाएंगे, 50 के 50, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अभी सिर्फ बातें हैं,
ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर अभी सारे तो टफ रख नहीं देंगे, कुछ सरल भी देंगे, कुछ एग्जैक्ट सीधे सीधे लगने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। ऐसा नहीं है 50 में सारे सारे टफ क्वेश्चन ही आएंगे। अब देखिए संख्याएं 3, 7, 9, 5, 7, 11, 19 और 21, अब इसको भी आरोही क्रम में लगा दो, आरोही क्रम में। ये देखिए इसमें सम संख्याएं होंगी जहां तक, तो इसमें कितना हो गया 3, 7, 9, सॉरी 3, 5 होगा पहले, 3, 5, 7, और 7 इसमें भी 2 बार है, उसमें 17 था, इसमें 7 2 बार है, फिर 9, फिर 11, फिर 19 प्लस 21, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पद बराबर 8 क्या है, सम है, सम है। अब सम में क्या लगता है फॉर्मूला, माध्यिका बराबर, माध्यिका m बराबर 1/2, फिर होता है n बाई 2 वे पद का मान, प्लस n बाई 2 प्लस 1 वे पद का मान। मैं जानबूझ के कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी सी लंदी वीडियो हो जाए, लेकिन एक ही में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हालांकि और मतलब उस तरीके से, अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं व्यूज के लिए, अगर व्यूज के लिए करना हो तो इसको 3 पार्ट में करें, ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसको मुझे सारा आपका कोर्स और टाइम पर करवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो पाएगा का मान, थोड़ा सा कम, मतलब जितना कम से कम में आए, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, दिक्कत ये है का मान। अब देखिए अब इस तरीके से अगर करेंगे इसको सॉल्व करें, ये होगा 4वें पद का मान, प्लस ये हो जाएगा 4 और प्लस 1, तो 5वें पद का मान का मान। ये फॉर्मूला आपको आखिरी तक चाहिए, ठीक है। अब 4वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 4वां है 7, और 5वां कौन सा है, 5वां है 9। इन दोनों को जोड़ दो, 1/2 × 16, 2 से काट दो, 2 8 16, बस आपकी माध्यिका कितनी आ गई 8, यही आपसे पूछा गया था, ठीक। माध्यिका आपकी पूछी गई थी, वो आपकी आ गई। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, अब देखिए और अच्छे क्वेश्चन आ गए, ठीक। अब धीमे धीमे लेवल बढ़ रहा है, अब समझिए। यदि संख्याएं 7, 8, फिर देखिए 2x-3, फिर दूसरा है 2x-1, 15, 17, 20 और 22 आरोही क्रम में है, ये आरोही क्रम में ही लगे हैं तो लगाने की जरूरत नहीं, और उनकी माध्यिका 14 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पद देख लीजिए कितने हैं, पद बराबर कितने हैं, 1, 2, 3, तीसरा ये, चौथा ये, 5, 6, 7 और 8, 8 है मतलब सम है, ठीक। सम आया जान लो, थोड़ा सा लेंदी हो ही जाएगा। अब माध्यिका, इसकी अगर माध्यिका निकालें तो 1/2, यहां पर मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, 1/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक। तो यम तो आपकी दी गई है, माध्यिका कितनी 14, मीडियन तो आपकी दी गई है 14, तो इधर रख लीजिए 14 बराबर में, ठीक है। 14 आपकी क्या मीडियन दी गई है। अब यहां पर कर लीजिए 1/2, 1/2 n/2 वे पद का n कितना है 8, 8/2 वह पद, ठीक। इतना ही लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। फिर 8/2 प्लस 1 वह पद, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 14 और 2 की गुणा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4, 4वां पद, ठीक है, और ये 5वां पद हो जाएगा, 4 प्लस 1 5वां पद पद। अब देखिए 28 ऐसे ही रहेगा, 4वां पद कौन सा है जब आरोही क्रम में है, 1, 2, 3 और 4, क्या हो जाएगा 2x-1, ठीक, 2x-1, 2x-1, और 5वां पद क्या है 15, प्लस का यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक। दोनों पद रख दिए गए, अब सॉल्व करिए, ये देखिए ये हो जाएगा 28 ऐसे रहेगा, 2x भी ऐसे रहेगा, 15 में से एक गया तो प्लस के 14 बचेंगे, 14 इधर आ जाएगा माइनस में, प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 28-14 बराबर 2x। बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, अदरवाइज इतना इतनी कैलकुलेशन इतनी ऐसे की करें तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब यक्स ये गुणे में है, 2, 2 इधर जाएगा तो भाग में कितना, भाग में चला जाएगा, यक्स बराबर 7, यक्स की वैल्यू पूछी गई थी,
बस आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यही अगर जल्दी जल्दी लगाना हो तो ज़्यादा ज़्यादा 50 सेकेंड लगेंगे इसको सही से। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप लोग आसानी से 50 सेकेंड में ये क्वेश्चन आराम से लग सकता है। अब देखिए माध्यिका में देखिए बारंबारता, ठीक है, बारंबारता वाले क्वेश्चन हैं, बारंबारता के भी देख लीजिए। और कल हम लोग प्रायिकता पर एक वीडियो आएगी, और प्रायिकता आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके बाद कुछ लोगों ने कहा है ट्रिग्नोमेट्री का एक और वीडियो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो मतलब जो फॉर्मूले छूटे हुए हैं उनके ऊपर भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि लोगों की डिमांड है तो वो भी मैं करवा दूंगा। मैंने कुछ सोचा था कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको करवा दिया जाए, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं तो उसको भी करवा देंगे। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात करो। अब इससे बारंबारता से कैसे ज्ञात करोगे, देखिए संचयी बारंबारता निकाल के आप आसानी से कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला आपका वही यूज होगा। ठीक है, बस आपका बारंबारता जो ऐड होके आएगी, अगर वो सम है तो सम वाला फॉर्मूला, विषम है तो विषम। अब इसमें कैसे बनेगा, 1 मिनट, ब्लैक पेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से पहले बनाना होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से रख लीजिए। ठीक, समझने की कोशिश कीजिए। इस समय मैं व्यूज की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि जितने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जितना हो सके उतना मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। संचयी बारंबारता, व्यूज चाहिए होंगे तो कुछ और भी डाला जा सकता है उसके लिए इधर उधर का, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए चर में रख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 लाइन से ही है, 10, 20 ऐसे कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 20, 30, 40 एंड 50। ठीक, तो 10, 20, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। अब 10 के साथ है 1, 20 में 3 है बारंबारता, 30 में 7 है, 40 में 9 है और 50 में 15 है। संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है जोड़ते चले जाओ, एक इसमें तो एक ही रहेगा, ठीक, और फिर 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 7 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 9 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 20 में 15 जोड़ोगे 35 हो जाएगा। ठीक, और बारंबारता एन बराबर कितना होगा, एन या फिर एफ एक्स, सिग्मा एफ, मैंने कल बताया था सिग्मा एफ लिखो चाहे एन, ठीक है, ये भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एन एन पदों की संख्या बस निकालनी है आपको, सम और विषम देखना है, तो ये क्या होगा 35। क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। 35 होगा कितना, 36 होगा, 15 देखिए, 5, 7, 3, 10, 10, 10, 20, 35। ठीक है, तो ये तो विषम विषम हो गया, यन बराबर तो यन तो विषम हो गया। ठीक है, माध्यिका में यन क्या हो गया, विषम, पद बराबर 35 क्या हो गया, विषम, क्या हो गया, विषम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस वही माध्यिका बराबर मीन बराबर एन प्लस वन अपॉन टू वे पद का मान, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये 35 प्लस 1 अपॉन 2 वे पद का मान। ठीक है, यहाँ ध्यान ये खुद लगाना नहीं है, समझाना है, मेन चीज ये हो जाती है थोड़ी सी, 36/2 तो ये हो जाएगा 18वें पद का मान, 18वें पद का मान। तो 18वां पद होगा कौन सा, तो ये तो 11 तक है, ठीक है, इधर इसी में देखा जाता है, ये तो 11 है आपका। ठीक है, तो 11 के बाद होगा, ठीक है, 11 के बाद होगा, 20 से पहले होगा, तो लेकिन 11 के बाद है तो 20 वाले में ही देख लिया जाता है। ठीक है, और 20 में क्या देखा जाता है, चर, चर संख्या देख ली जाती है। तो कितना हो जाएगा, माध्यिका कितनी हो जाएगी, 40, माध्यिका हो जाएगी 40। ठीक है, देखिए 18वां पद आया था, यहां तक सिर्फ 11 हुए थे, ठीक है, तो 11 से तो ज्यादा ही होगा और 20 से कम होगा, ये तो है ना कि 20 से भी ऊपर चला जाए, तो अगला 11 से जो जस्ट बड़ा है उसी में 18 आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 18वां पद ये हो जाएगा, मतलब चर 40, 40 आपकी माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, बारंबारता बंटन की सहायता से माध्यिका ज्ञात कीजिए, इस तरीके से दिया गया है,
इसकी भी उसी तरीके से बना लीजिए। अब ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ। ठीक है, 6 पार्ट इसमें होंगे। पहले से भी बना सकते हैं, लेकिन बनाता इसलिए नहीं हूँ, सामने बनाता हूँ तो थोड़ा सा सही रहता है आप लोगों के हिसाब से भी, अदरवाइज मेरे लिए तो वो ज़्यादा अच्छा है कि पहले से बना लूँ। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, संख्या मतलब वही बारंबारता। ठीक है, और संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक, ये क्या हो गया। अब इनको प्राप्तांक को क्या करना है, आरोही क्रम में करना है। तो सबसे कम 18 हो जाएगा। ठीक, 18 वाले में है 8, जब इसको करें 18 से बड़ा क्या है, 40, 40 में है 12। ठीक है, फिर 40 के बाद है 50, 50 में है 32, 50 इसमें हो गया 32, 50 में हो गया 32। फिर है 80, 80 में है 16। फिर है 100, 100 में है 14। फिर है 160, सॉरी 60 है। ठीक है, 60, 60 है, 160, 160 होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी 160 होना चाहिए। ठीक है, 160 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको कर लीजिए। संचयी बारंबारता बिल्कुल उसी तरीके से 8 ऐसे रहेगा, 8 और 12 20 हो जाएगा, 20 और 32 52 हो जाएगा, 52 में से 52 और 16 62 और 6 68। ठीक है, 68 और 14 4, 72 10 82। ठीक, 82 और 4 86। ठीक, 86 हो गया। और यन बराबर अगर गिनेंगे तो जो ये आती है नीचे उतनी ही आएगी, गिन के देख लीजिए, 20 30 52, ठीक है 52 68, हाँ ठीक है 86 आएगा। 86 क्या है, यन कितना है, सम है। ठीक है, ये सम संख्या है, तो बस इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका, वही वाला जो सम में लगता है, सम जिसमें सम संख्याएं होती है, सम सम वाले में क्या लगता है, 1/2 एन बाई टू में पद का मान प्लस एन बाई टू प्लस 1वें पद का मान। ठीक, बस अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, बस सीधे सीधे वैल्यू क्या रखनी है आपको, 1/2 एन बाई टू क्या, 86/2 वह पद ऐसे रख लीजिए, प्लस 86/2 प्लस 1वां पद। ठीक, तो 86 जब इसको काटेंगे तो ये बचेगा 1/2, 43वां पद, और प्लस 43 में एक जोड़ दो, 44वां पद हो जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे देखना है, देखिए 43वां पद कौन सा होगा यहां से देखिए, तो ये देखिए 20 तो होगा नहीं, 20 के बाद क्या है, 52। ठीक है, 43 से ज्यादा है तो फिर देखिए 20 के बाद वाला ही होगा, तो इसमें ही अगर देखेंगे 43 और 44 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, 43 और 44 अगर दोनों देख लें तो इसमें कौन सा उठा दिया जाए, दोनों में 50 और 50 रख दिया जाएगा। ठीक, तो 1/2, सॉरी 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 50। ठीक, दोनों में 50 हो गया, 1/2 और ऐसे कर दें, ये हो जाएगा गुणे में 100, जब भाग करेंगे तो 50 ही बचेगा, 50 माध्यिका बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो माध्यिका के क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम लोग बहुलक को देख लेते हैं। ठीक है, बहुलक देख लेते हैं, अगर आपने इतने ये सीख लिए तो आपका ये मान के चलिए कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से, कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर आपने सच में सही से इसको समझ लिया होगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुलक बहुत ईजी होता है। अब इनके बहुलक ज्ञात करना है, 2, 9, 5, 7, 9, 6, 9, 10, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी, इसके बहुलक ज्ञात करना। बहुलक क्या होता है, जो जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या आया है, देखने से ही पता चला 9 बहुत बार आया, 9 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, बाकी कोई भी संख्या 4 बार नहीं आई है, सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ है, 9, तो बहुलक इसका क्या होगा, बराबर 9। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा बहुलक, इसमें क्या होगा बहुलक बताइए आप लोग, इसमें सबसे ज्यादा देख लीजिए क्या आया, 25 ही आया, 1, 2, 3 और 4 बार, बाकी कोई भी चीज 4 बार नहीं है, 34 है इसके बाद, 1, 2 और 3 ही बार है, तो 25 सबसे ज्यादा बार है। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बराबर 25।
अब देखिए बारंबारता वाला बहुलक देख लीजिए। बारंबारता बहुलक में क्या होता है? बारंबारता बहुलक में होता है बस, हाँ ये क्योंकि बारंबारता में तो सीधे इसे बता। बारंबारता बहुलक में देखिए पद दिए गए थे, बारंबारता दी गई थी। तो उसमें देखिए जब भी बारंबारता वाला बहुलक पूछा जाए तो उसमें बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, ठीक वही उस वही बहुलक हो जाता है। जैसे इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? 32। 32 किसकी है? 16। तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक 32 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक है, ऑप्शन अगर ऑप्शन में रखा जाएगा तो 32 भी रखा जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुलक जो होगा वो हो जाएगा 16। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आपका जो माध्यमादि का बहुलक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रायिकता के बाद। अगर बाई चांस कोई भी चैप्टर बच रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वीडियो और लाऊंगा जो त्रिकोणमित के ऊपर होगी, और आपका जो है वो बिल्कुल आपका जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है, एक दिन का गैप लेकर टॉप 50 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लाऊंगा, वो भी मैथमेटिक्स की। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूंगा किस तरीके से लाऊंगा, अगर आपको सही लगे तो मैं उसको भी कर दूंगा। ठीक है, मैथ की टॉप 50। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।